टू द पावर टू हम लोग जानते हैं, दैट मीन्स क्या है, एम इंटू एम प्रोडक्ट है, एम इंटू एम, अब इसको क्या लिखें, एम टू द पावर टू, दैट मीन्स यहाँ पे पावर टू, पावर टू का मतलब है कि ये दो टू एम एक दूसरे से मल्टीपल है. नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इज दैट इंटायर्स इन टू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस. अब देखिए जैसे कि हमने देखा, जा हम लोग जानते हैं कि लेंथ का एक डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन हम लोग यूनिट जानते हैं, मीटर होता है, मीटर को लेंथ, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ, तो हम इस जानते हैं ये इसका डायमेंशन एल होता है. ठीक है, अब यही ये हो गया बेस क्वांटिटी. ये तीन फॉर्म है हम लोग का, हमारे पास है एक लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम. अब यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ था हमारे पास, लेंथ को हम इसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, इसी के फॉर्म में लिख दिए, तो ये हमारा हो गया डायमेंशन ऑफ लेंथ. यानी डायमेंशन जब भी हम लिखेंगे या तो बेस के फॉर्म में लिखेंगे या तो फंडामेंटल के फॉर्म में लिखेंगे. तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं बेस के साथ लिखने का, बाद में फंडामेंटल को ऐड किया जाता है, कहीं कहीं थीटा को ऐड किया जाता है, कहीं कहीं के को ऐड किया जाता है, कहीं पे ए को ऐड कर लिया जाता है. ठीक है, बट हम फर्स्ट मुझे सीखना होगा बेस फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में अदर चीजों को एक्सप्रेस करना या डिराइव करना. ठीक है, अगला है जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है आप लोगों के सामने कि मुझे एरिया का डायमेंशन लिखना है. तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू अगर मैं देखें तो ब्रेथ होता है. ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अच्छा ब्रेथ इज ऑल्सो ये लेंथ, वो भी एक लेंथ है बट उसका नाम अलग हो जा रहा है, एक लेंथ एक ब्रेथ, बट ब्रेथ भी लेंथ है. दैट मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं मल्टी लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ, दैट मीन्स लेंथ का स्क्वायर, दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एरिया इज टू लेंथ. हम इसको क्या कहेंगे, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, ये हो जाएगा टू लेंथ. इसको हम कैसे लिखेंगे, एल टू द पावर टू. ठीक है, एल टू द पावर टू का मतलब क्या हुआ, यह जो डायमेंशन है उसमें क्या है, टू टाइम्स ऑफ लेंथ है, टू एल है, टू लेंथ है. ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है, टू लेंथ है. ठीक है, अच्छा एक्चुअली हमें जैसे कि एरिया के बारे में जब हम बात किए हैं, एरिया दैट मीन्स ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये हो गया एल स्क्वायर. एल स्क्वायर को हम किस फॉर्म में पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया इज टू लेंथ, यानी जिसके पावर में जो भी रहेगा, अगर एम टू द पावर टू रहेगा दैट मीन्स टू एम, यानी टू एम है. टी टू द पावर टू रहेगा दैट मीन्स यहाँ पे जो टाइम है वो टू है, टाइम यानी टाइम इंटू टाइम, टाइम इंटू टाइम, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टाइम का स्क्वायर. तो डायमेंशन हमें ये बताता है कि वह उस फिजिकल क्वांटिटी में जो बेस है, बेस फिजिकल क्वांटिटी वो कितना है. ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल भी देखेंगे और चलिए देख लेते हैं. जैसे जैसे बात करें स्पीड की, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम. चलिए कोई सुझाव बताइए तो आप, डिस्टेंस का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, बता पाएंगे आप एक बार बोल दी. देखिए एक्चुअली मैं कई बार आप लोगों के को कहा है कि नहीं जानना कोई गुनाह नहीं है, बट जानने की कोशिश ना करना ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये चीज आपको बाद में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा. इसलिए ऑलवेज जो चीज को आप नहीं जानते हैं उस चीज को आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए. ऐसा नहीं हो कि मैं ही जो डिस्कस करते जा रहा हूँ, मुझे जो लगा बस मैं उतना ही एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपने डिफिकल्टीज को मेरे सामने रखिए, इसलिए हम लोग एक साथ जमा हुए हैं, ये रिवीजन क्लासेस है, आप यहाँ पे हमसे क्वेश्चनिंग कीजिए. ठीक है, चलिए देखिए डिस्टेंस का, चलिए कोई बात नहीं है, सपोज करते हैं ये है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. ठीक है, हम कहते ये देखिए अब हम कितने तरीके से इसके बीच की दूरी को बोल सकते हैं, ये जो इतना लंबा इतना बीच में है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसको हम बोल दिए 10 मीटर है मान लेते हैं. अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं. ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, 10 मीटर. अच्छा और एक चीज, हम दूसरे तरीके से ये सोचते हैं कि अगर
पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 10 10 मीटर है, मानते हैं इसकी जो बीच का दूरी है वो 10 मीटर है, बहुत इजीली से समझ गए। लेकिन अगर मैं इस लकीर के बारे में बात करूं, ये लकीर जो मैंने यहां से यहां तक दिया है वो कितना लंबा है, वो भी 10 मीटर होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ये जो लकीर का जो लेंथ है वह कितना होगा, 10 मीटर। अब बताइए इस दोनों में यहाँ पे डिस्टेंस और लेंथ में कोई डिफरेंस नजर आया है? एक ही चीज, बस नाम चेंज है। हम लोग पर्यायवाची शब्द समझते हैं ना, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द उसी तरह है। डिस्टेंस को भी हम लेंथ, डिस्टेंस जो है वह एक लेंथ ही है, ठीक है। या फिर हम लोग देखते हैं कि ये वाला एक हम लोग रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर लेते हैं, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, दो चीज है। अच्छा अगर मैं इसको लेंथ ना बोलूं, इसको जो हम लोग जानते हैं आयत की जो लंबी भुजा है उसको हम लोग जो सबसे लंबा होता है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो जो लंबाई के कंपेयर में थोड़ा छोटा होता है उसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। बट अगर देखा जाए तो ये भी तो एक लंबाई ही है ना, ब्रेथ भी एक लंबाई है, तो डिस्टेंस भी ऑल्सो एक लंबाई है, ये भी एक लेंथ ही है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एल होगा। समझ में आई बात सुजय? यस सर। अब वीडियो जरा ऑन कीजिए तो। सुजय सर लैपटॉप से कर रहे हैं, यहाँ पर ये लैपटॉप में ये नहीं है, अच्छा वेब अच्छा कैमरा कोई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लैपटॉप में तो कैमरा, चलिए ठीक है। मैं ये समझ में आया बात? यस सर। ओके, तो ये है कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखने, अच्छा स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस का एल और यहाँ पे नीचे हो गया टी, तो स्पीड में क्या है, एल एंड टी टू द पावर -1। अच्छा -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, -1 रिप्रेजेंट कहता है कि ये टी के साथ नहीं है, ये एल के साथ नहीं है, एल के नीचे है, ये टी है हमारा, ठीक है। तो स्पीड में क्या क्या है, बेस स्पीड जो एक ड्राइव क्वांटिटी है इसमें क्या क्या बेस क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इसमें लेंथ है और टाइम है, ठीक है, टाइम का इनवर्स है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डायमेंशन, एम एम एल टी, दैट मीन्स तीन जो बेस है, लेंथ मास टाइम के फॉर्म में सभी चीज को लिखना डायमेंशन है। अगला है डेफिनेशन ऑफ, ये डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो देखते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब यह है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, जैसे फोर्स का एम एल टी टू पावर -2, ये हम लोग डायमेंशन को जानते हैं, कहता है कि क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए ये है फंडामेंटल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम, तीनों ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में -2 है। तो कहता है कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर में, ठीक है, पावर में उसकी संख्या को इंडिकेट कर देते हैं या फिर उसके फॉर्म में लिख देते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि वह डायमेंशन फॉर्मूला हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, जैसे कि मास को एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को एल से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये पहला वर्ड याद रखना है, एम एल टी, मास लेंथ टाइम, पहले वर्ड से ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। देखिए देखिए यहाँ पे पूरा बाय द प्रोसेस हमने लिखा है। फॉर द एग्जाम्पल, फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास एक्सेलरेशन को फिर मैंने छोटा किया है, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, अब इज इक्वल टू मास चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वेलोसिटी को अब हम चेंज किए हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
और एक नीचे यहाँ पे टाइम था, तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको कहेंगे द डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या क्या है इन वन मास, वन इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ये भी डायमेंशन हो गया, इस टाइप से हम इसको लिखे हैं, ये भी डायमेंशन हो गया है इसका फोर्स का। बट हम जब भी इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तब हम ये लिखेंगे एम एल टी टू दावर -2। बट इसमें क्या क्या है, वन इन मास, मास वन है, वन इन लेंथ, लेंथ वन है, टी टाइम क्या है, -2 है, -2 इन टाइम, टाइम में जो है वो -2 टाइम है। तो इस ये डायमेंशन हमें इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, या फिर हमें भी इस टाइप से रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, बेस द बेस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंट बाय वन लेटर सिंबल। जितना भी बेस क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है, जैसे देख लीजिए ये तीन हमने बताया था कि जब भी बेस क्वांटिटी के बारे में आए, बस हम तीनों तीन को याद रखेंगे। तो पहला है लेंथ, लेंथ को हम रिप्रेजेंट डायमेंशन एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास फर्स्ट लेटर एम से, टाइम इसका भी फर्स्ट लेटर टी से। ठीक है, बाकी जितना भी चीज है किसी का भी डायमेंशन उसका फर्स्ट लेटर से नहीं है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से यूज करते हैं, टेम्परेचर को के से यूज करते हैं, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को सी डी, और अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस को मोल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं या डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन बेस क्वांटिटी का जो पहला वर्ड होगा, वर्ड का पहला लेटर जो होगा, उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस फिजिकल बेस फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, तो याद कैसे भी रखेंगे, कुछ नहीं, लेंथ का पहला अक्षर एल, एम मास का पहला अक्षर एम, और टाइम का पहला अक्षर टी, दैट मीन्स हो गया एम एल टी। और जितना भी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, मैक्सिमम इन द टर्म ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी एम एल टी के फॉर्म में ही लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने एग्जाम्पल आएगा, वहां पे भी देखेंगे आप, मैक्सिमम बहुत ही रेयर केस में आएगा जहाँ पे ये आई का यूज होगा, के का यूज होगा, या फिर अदर चीज का यूज होगा, मैक्सिमम जगह पे आप एम एल टी तीन के फॉर्म में आप देखेंगे। तो बस ये याद रख लेना है कि लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, टी का डायमेंशन टी होता है। अगर आप ये तीनों को याद रख लिए तो आप डायमेंशन फार्मूला लिखने में आप मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए पे। अगला देखिए, अब यहाँ पे कुछ फिजिक्स डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले एरिया, एरिया के बारे में हमने बात किया। ठीक है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा यूनिट जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, और ये लेंथ का एल टू द पावर 2 होता है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, तो दूसरा है वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ऐसा यूनिट एम क्यू, और डायमेंशन होता है एल टी टू पावर -3। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? इस सारे जो यहाँ पे दिया हुआ है 8 और भी है 10 है, जो 10 डायमेंशन फार्मूला दिया हुआ है, ऐसा यूनिट दिया हुआ है, इसका रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, सभी को आप लोग देखिए, और कहाँ पे डाउट होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, या फिर कहाँ पे समझ में नहीं आया, उस चीज को आप बोलिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। देख लीजिए एक बार ऊपर से, शुरू से 1 से लेके 10 तक प्रेशर तक। सर, फोर्स और इम्पल्स ऑफ फोर्स में डिफरेंस क्या है? सर, फोर्स और इम्पल्स ऑफ फोर्स, अच्छा बताते हैं। अच्छा, एक हुआ ये, और दूसरा कोई दूसरा? चलिए पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर देखिए फोर्स जो होता है कि देखिए, सबसे पहले इम्पल्स ऑफ फोर्स को समझिए। जब कोई फोर्स कोई स्मॉल टाइम इंटरवल इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग इम्पल्स ऑफ फोर्स। जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉलिंग किया, आपने बैट को चलाया, बैट एक फोर्स है, ठीक है, और बॉल पे आपने मारा, बैट और बॉल का संपर्क कितना स्मॉल टाइम के लिए होता है, उस समय जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम कहेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स।
ठीक है। और फोर्स जो हम लोग ये नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करते हैं, वो जैसे कि एक वो खुद है, सीधी सी बात, इस एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये मोशन आ जाएगा, अगर मोशन में है तो रुक जाएगा, या फिर अगर मोशन में है उसके बाद भी फोर्स लगाएगा लगेगा तो उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट इम्पल्स फोर्स होता है क्या, ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक बड़ा फोर्स काम करता है। व्हेन ए बिग फोर्स अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल देन इट इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। ठीक है, जब कोई बड़ा फोर्स छोटा समय के लिए अप्लाई होगा उसको कहेंगे इम्पल्स, और फोर्स तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए, वो बॉडी में एक्सेलरेशन लाता है, बॉडी पे मोशन लाता है, मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ले आता है, वेलोसिटी को चेंज कर देता है, एक्सेलरेशन को चेंज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है बॉडी, बहुत सारा कारण है फोर्स का। ठीक है रंजीत, हाँ सर, ओके। अब बताइए इसका जो डायमेंशन को देखिए आप, डायमेंशन जो यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सारा डायमेंशन है, ये वाला डायमेंशन को आप देखिए कैसे हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोलिए, मैं उसको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हुआ उसका डायमेंशन। ये क्लियर है और सर सबको, लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम मतलब। एक्चुअली हम लोग ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, चलिए कोई बात नहीं बताते हैं। देखो लीनियर मोमेंटम होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो श्योर उसका एक मास होगा एम, मैंने उसका मास को एम माना। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, तो मोशन में ऑब्जेक्ट जब मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट मीन्स मास भी होगा, उस ऑब्जेक्ट का एक वेलोसिटी भी होगा, और उस मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट ठीक है मोशन में हो, ये मोशन कर रहा हो, तो ऑब्जेक्ट के मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के मल्टीपल को ही हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और कुछ? नहीं सर। ओके अच्छा, ये जैसे कि लिखा है मैंने वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पे हो गया है इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यू। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की ये सर एल क्यू क्यों हो गया, ब्रेथ एंड हाइट वो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लेंथ ब्रेथ भी एक लेंथ है और हाइट भी एक लंबाई है, एक लेंथ है। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो वेलोसिटी का भी हम लिख सकते हैं। चलिए कुछ एक दो करते हैं, कुछ लोगों से वारिस करना जरूरी है। चलिए रंजीत आप बताइए तो, रंजीत आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, हम यहाँ पे लिखे हैं मास इनटू वेलोसिटी, चलिए मुझे इसका डायमेंशन लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा मास का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड बाय टाइम। नो, आप भूल कर रहे हैं। देखिए जब किसी चीज को नहीं जानते हैं ना, आप उसको बोले कोई भी दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी को छोटा कर देंगे ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ये तो नहीं भूलेंगे। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, हो सकता है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भूल जाए, लेकिन वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको तो नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा एम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और टाइम का टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एम एल, और ये टी को जब ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -1, तो ये माइनस हो वन गया, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी टू पर -1, और इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। चलिए मास इनटू एक्सेलरेशन, डायमेंशन कैसे लिखेंगे इसका, एक मिनट आप, मैं एक बंदे को पूछता हूँ। रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सर। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट ही रखिएगा आप। ठीक है, चलिए यस इसका डायमेंशन लिखेंगे हम मिलके, आपको अकेले नहीं लिखना है, मैं भी अकेले नहीं लिखूंगा, दोनों मिलके लिखते हैं। चलिए बताइए मास का डायमेंशन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वाह, वो हमने मास का पूछा है, मास का डायमेंशन एम सर एम, एमएलटी वेरी गुड गुड। अच्छा एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताइए,
एक्सेलरेशन का हो गया सर, कोई बात नहीं है। अच्छा एक्सेलरेशन इक्वल, एन हाँ बोलिए, अगर जानते हैं तो बोलिए एकदम, आप अनम्यूट एल कीजिए। हम एल टू एल एल पे पावर 3 सर। एल पे पावर 3, ये आपने मिस्टेक कर गया, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। चलिए एम हो गया डायमेंशन फॉर्मूला मास का, इनटू एम तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग अभी कुछ देर पहले लिखे थे, एल बाय टी लिखे यस सर, थे। यस अच्छा सर, एल बाय टी सर। और हाँ वेलोसिटी का, और ये टाइम का तो लिखना है हमें, तो ये हो जाएगा 1/T। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एम फिर एल फिर टी, नीचे 2 है ऊपर जाएगा T^-2 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, तो MLT^-2 इज अ डायमेंशन फॉर्मूला। काफी काफी हार्ड है क्या रुद्र प्रताप, अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। चलिए चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि हाउ टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला है फ्रॉम द बेसिक सर डेफिनेशन, आवाज नहीं डेफिनेशन आ रहा। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा क्या, नहीं नेटवर्क तो मेरा ठीक है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सबको है? यस सर, ओके तो पहला प्रोसेस था डायमेंशन फॉर्मूला लिखने का, फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्वांटिटी जो हमने ऊपर में पढ़ा, जैसे कि अगर हमने स्पीड को जब लिखा तो फिर उसको डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्म में, उसको डिस्टेंस बाय टाइम के फॉर्म में लिखा, फिर डिस्टेंस को मैंने डेफिनेट करके मैंने फिर लिखा। तो ये था फ्रॉम द डेफिनेशन, जैसे हम कह सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दैट मींस हम कह सकते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लिए और फिर हमने यहाँ पे लिखा, तो फिर हमने इस तरीके से जो लिखा ये हो गया डेफिनेशन के थ्रू से डायमेंशन फार्मूला लिखना। और दूसरा हो गया फ्रॉम द रिलेवेंट फार्मूला और इक्वेशन, दूसरा था कोई दूसरा है तरीका लिखने का, एक हमारे पास अगर इक्वेशन हो या फिर कोई फॉर्मूला हो तो वहां से हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से हम लोग उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एफ इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाय R2, तो मुझे यहाँ पे एफ का नहीं लिखना है और मुझे यहाँ पे जी का लिखना है, तो इस इक्वेशन से हम लोग एक जी इक्वल टू निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो हो गया रिलेवेंट फार्मूला, उस फार्मूले से डायमेंशन फार्मूला किसी भी चीज का लिख लेना। तो जी इक्वल टू में अगर निकालते हैं तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा F R² / M1 × M2। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, हम लोग फोर्स का जानते हैं, आर इज ए रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस इज ए लेंथ, उसका भी जानते हैं, एम मास, M2 भी मास है, दोनों मास ही है, तो मास का हम लोग जानते हैं 2 टाइम्स मास हो जाएगा, M M^2 हो जाएगा। तो इजीली से हम लोग इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायमेंशन लिखते हैं, चलिए हम लोग जी इक्वल टू F R² सर ये एम वन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल रहा है। हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। ठीक है, तो बता सकते हैं, चलिए मैं पूछता हूँ इसी का, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए जी, निकालेंगे तो हम लोग श्योर, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, आना चाहिए आप लोगों को, ये काफी बार मैंने बताया। M^-1, L^3, T^-2। वाह वेरी गुड, चलिए तो इसका डायमेंशन, रंजीत इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाएंगे आप?
पर्टिकुलरली फोर्स वगैरह करके शायद। कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं करता हूं। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या निकाले थे, एम MLT-2। -2। वेरी गुड। अच्छा रेडियस है यहाँ पे, रेडियस का डायमेंशन क्या होगा। L² वेरी गुड, एल स्क्वायर या फिर एल टू द पावर 2 बोलेंगे। ठीक है। अच्छा ये मास है, ये क्या होगा, मास का डायमेंशन। M² ठीक है, मास 1 2 है तो हम इसको दो और एक बार एम लिख लेते हैं, एम इंटू एम। ओके, अब इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप इसको अगर पावर का कैलकुलेशन जानते हैं तो कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, देख यहाँ पे एम है, यहाँ पे पावर 1 है और नीचे 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 एम के ऊपर में। एल यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 2, तो एल टू द पावर 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, और टी टू द पावर -2 ऑलरेडी है ही हमारा, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3 एंड टी टू द पावर -2। क्लियर है, कर पाएंगे, आई थिंक बहुत ही सिंपल है ये। सर सिर्फ अगर आप छोटे छोटे चीजों को अगर डायमेंशन जगह जान लेते हैं तो आप इजी से उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्क इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, लेकिन बस समझना है हम लोग को, प्रैक्टिस के लिए बस ले रहा हूं मैं इसका एग्जांपल। फोर्स इनटू एफ एस होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं रंजीत, क्या होगा। फोर्स का MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का M, तो M2LT-2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी आप एम टू नहीं, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, एक लेंथ है, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी टू द पावर -2। ये चीज ध्यान रखना है कि एम के साथ टी टू होगा या फिर टी के साथ टू होगा, इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही इजी से आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी है सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो अभी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, यहाँ से क्या होगा, आप लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से आप लिख सकते हैं डायमेंशन को बार बार, 10 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर है आप डायमेंशन फॉर्मूला लिखना सीख जाएंगे। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायमेंशन बगल में आपका दिया हुआ है, सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पे डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, जब डाउट हो तभी आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ये सीख जाना है, ये बड़े काम की चीज है, आप लोग डिप्लोमा कंप्लीट के बाद इंटरव्यू में भी जाएंगे, वहां पे भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किया जाता है सब, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इंटरनल एक्सटर्नल में तो बातें छोड़ दीजिए, थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर तक फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से हैं तो ठीक है, और जो भी सेमेस्टर एग्जाम में भाईवा वगैरह होता है वहाँ पूछा जाता है, वो इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है, छोटा छोटा चीजें हैं, ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दिक्कत अगर होगी तो मैं हूं ना, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो दैट मीन्स आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है दैट मीन्स आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप समझ नहीं आ रहे, आ रही है आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, गुड थिंग, गुड, इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे आप खुद को ये कर सकते हैं कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का सिलेबस का ये पार्ट है, और काफी बार ये पूछा भी जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन एंड होमोजेनिटी। ये अगर ऐसा है, इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के बारे में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर वो 2000, जैसे कि आप लोगों का एग्जाम होगा 2020 का दिसंबर सेशन है, तो अगर ये 2019 में अगर नहीं आया है तो ये 2020 में सर जरूर आवाज आएगा। कट रहा है। आवाज कट रही है, मेरा नेट तो सही है, मेरा नेट सही है, आप भी थोड़ा सा देख बीच बीच में लीजिए, कट रहा है सर। बीच बीच में कट रहा है, चलिए ऐसा तो उम्मीद नहीं करते हैं। चलिए देखिए,
इस क्वेश्चन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 2019 में नहीं आया है तो 2020 में आ जाएगा, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस के लिए। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये प्रिंसिपल, कुछ रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ अगर आप जाएंगे तो काफी आसान है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी से दैट द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑन टू साइड ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। याद क्या रखना है, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म मतलब कोई भी फिजिकल इक्वेशन का सभी टर्म का जो डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड इक्वल होगा। सपोज कीजिए एक इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा एक इक्वेशन है, तो डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी, मतलब हर एक पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा अगर वह इक्वेशन फिजी मतलब अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वह इक्वेशन सही है। तो कोई भी एग्जांपल, कोई भी इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, उसका एवरी पार्ट का डायमेंशन फॉर्मूला चाहे कितना भी पार्ट से क्यों ना बना हो वह इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे चार लिया, 1 2 3 4, तो जैसे कि 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, हर एक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला एक दूसरे से बराबर होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी का स्टेटमेंट। क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी से दैट द और द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और बोथ साइड मस्ट बी सेम, किसी भी दिए गए इक्वेशन का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मतलब दोनों साइड का एवरी टर्म का जो होगा डायमेंशन वह सेम होगा। ठीक है, इस इक्वेशन से आप मतलब एग्जांपल से आप समझ गए हैं। इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, द गिवेन फिजिकल इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन हमारा सही नहीं होगा। तो डायमेंशन इस प्रिंसिपल का उपयोग किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि वो डायमेंशन जो फॉर्मूला सही दिया हुआ है कि नहीं है। सपोज कीजिए एक फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला सही होता है। अगर इसको हम ऐसा लिख दें भी इक्वल टू यू टी प्लस ए, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत फॉर्मूला है। तो इस इक्वेशन से जब हम चेक करेंगे इसको, इसका अप्लाई करके, तो इक्वल नहीं आएगा। हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसका अप्लीकेशन भी देखेंगे, अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ करके भी दिखाना होगा। एक्सप्लेनेशन, इफ ए प्लस बी बाय सी इक्वल टू डी ई माइनस एफ स्क्वायर जी बाय एच क्यू, बी ए फिजिकल इक्वेशन। सपोज कीजिए ऐसा कोई एक फिजिकल इक्वेशन है, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही फॉर्म हो। बी ए फिजिकल इक्वेशन वेयर ए बी सी डी आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ए बी सी क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी होगा, मास होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्टेंस होगा, चाहे जो भी कुछ हो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशन होमोजेनिटी, इस डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डी ई इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ ई, यानी एवरी टर्म का डायमेंशन फॉर्म जो होगा वह इक्वल होगा। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी। इसको आप कर लिए तो बस मान के चलिए ये 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, कभी कभी ये 4 या 6 नंबर में भी पूछ देता है। ठीक है, क्लियर है ये? नहीं सर, थोड़ा फिर से और एक बार बोलिएगा। वेरी गुड, ओके। देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी का स्टेटमेंट को देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट के आधार पे एक प्रूफ है उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है कि
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, ठीक है, कोई एक, अब यहाँ पे बात होगी एक इक्वेशन की। सपोज करते हैं कोई इक्वेशन है, मैंने बात बताया कि फिजिकल इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा एक फिजिकल इक्वेशन है। जैसे हम लोग ये हम लोग देखते हैं, या फिर भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी एक फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये डायमेंशन फार्मूला हमें ये बताता है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ भी इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ ये, सेकंड ये भी एक अलग पार्ट है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ यू इक्वल टू ए टी का भी, यानी ये तीनों का डायमेंशन फार्मूला एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट कहता है। देखिए, द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन टू साइड ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम। द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म ऑन टू साइड ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन मस्ट बी सेम, ठीक है। इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं हुआ, दैट मीन्स हम कहेंगे फिजिकल इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हमें एक फिजिकल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया है यहाँ पे ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू डी ई माइनस एफ स्क्वायर बाई जी बाई एच क्यू, बी ए फिजिकल इक्वेशन। मैंने माना कि ऐसा एक ये वाला एक फिजिकल इक्वेशन है जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है सारा फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया या तो मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी, इस डायमेंशन होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार क्या कहता है, ऑल टर्म का डायमेंशन इक्वल होगा। तो पहला टर्म एक टर्म है यहाँ पे, सेकेंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ, चार ठो टर्म दिया हुआ है, तो चारों का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल हो गया। फर्स्ट का हो गया ये, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब अगर ऐसा आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन करेंगे अगर ऐसा आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ जो फिजिकल इक्वेशन है वह करेक्ट है। अगर नहीं आता है तो कहेंगे तो सी और वह इक्वेशन करेक्ट नहीं है। कल हम लोग एक फिजिकल इक्वेशन लेंगे जो करेक्ट नहीं होगा और उसका डायमेंशन निकाल के हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर, ओके, तो टाइम भी 3 बज गया है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और जिनको नोट्स नहीं, जिनके पास है, वो आप एक बार मुझे एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है आज सर, के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और नेक्स्ट क्लासेस में। अच्छा, जो सैटरडे को जो एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन सब ठीक ठाक था तो समझ बना पाए थे सब कोई सैटरडे वाला एग्ज़ाम का? हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ सर, 25 क्वेश्चंस था वो वाला। नहीं, 25 वाला नहीं, एक्चुअली सैटरडे को जो एक टेस्ट होता है ना, और सेकेंड हाफ में, हाँ तो वो वाला एग्जाम देते हैं ना आप लोग गूगल शीट पे? दिए थे पर पता नहीं कौन सा था। अच्छा, आप मैं इसी का आप बोलिए, तो एग्जाम दिए थे ना आप? यस सर, क्वेश्चन कैसा था? क्या अभी लास्ट वाला हाँ, लास्ट वाला। सेम्स का तो ठीक था क्वेश्चन, लेकिन फर्स्ट का ही क्वेश्चन, सेकंड में भी फिजिक्स का ही सारा क्वेश्चन था। हाँ, फिजिक्स का ही सारा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन का जो थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हार्ड किया था मैंने, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितना भी क्वेश्चनिंग किए थे सब मतलब बहुत ही सिंपल था, लेकिन इस सब में थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था कि आंसर को आप थोड़ा सा सोच के देना पड़ता, उस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया था। आप लोग का जो इंटरनल इंटरनल का एग्जाम होगा ना, उसमें भी इस चीज टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मिला जुला रहेगा, 2-3 चैप्टर का होगा। देखते हैं कितना तक रिविजन करवा पाते हैं, फिर आप लोगों को बता दूंगा मैं कि यूनिट इतना से इतना, 2 या 3 या 4 चैप्टर आप लोग का फर्स्ट इंटरनल में होगा, तो आप 4वें चैप्टर आप तैयारी करेंगे, फिर उसी पे आप लोग क्वेश्चनिंग रहेगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा ये बाद में बताते हैं, ठीक है। बट जो मैं सिलेबस पहले बता देंगे कि कितना से कितना तक होगा, फिर वहां से आप लोग तैयारी कर लेंगे। ओके, ठीक है, फिर ओके आज सर, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है।
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू.